क्रोटोग्राफी नाउ वी विल डिस्कस थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी कॉमनली नोन एज टीएलसी। थिन लेयर क्रोनोग्राफी के लिए हम टीएलसी प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं टीएलसी प्लेट्स में सिलिका को एब्जॉर्ब किया जाता है एल्युमिनियम शीट्स के ऊपर या ग्लास प्लेट्स के ऊपर इस तरह हमारी स्टेशनरी फेज वो सॉलिड सिलेिका जेल है जो किसी सरफेस के ऊपर पहले से तैयार की गई है या बाइंड की गई है एप्लीकेटर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं लैब में इन इन प्लेट्स को बनाया भी जा सकता है ग्लास प्लेट्स के ऊपर सिलिका को स्प्रेड करने के लिए हम एप्लीकेटर्स का इस्तेमाल भी करते हैं और मोबाइल फेज नॉर्मली वाटर की बजाय ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स को हम खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं यह सिलेिका जल आम तौर तो पोलर है इस अगली स्लाइड्स के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे लेकिन इसे नॉन पोलर भी बनाया जाता है नॉन पोलर सिलिका के साथ एच पी या हाई परफॉर्मेंस टी कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें हम रिवर्स फेज़ यानी नॉन पोलर एब्जॉर्बेंट और पोलर मोबाइल फ़ेज़ को इस्तेमाल करते हैं थिल्डर क्नोडोग्राफ़ी में जैसे एक टी एल सी चैम्बर हम इसको देख रहे हैं टी एल सी प्लेट्स पेपर को तो हमें पैक करने की किसी से क्लच करने की ज़रूरत होगी टी एल सी प्लेट्स साइड वॉल के साथ खड़ी भी की जा सकती हैं लेकिन इस एहतियात के साथ कि कहीं ये ड्रॉप ना हो जाए जब हमने पेपर क्रोडोग्राफी यूज़ की थी तब भी इसका ख्याल रखने की ज़रूरत थी और अब भी कि हमारा सैंपल वो डिज़ोल्व ना हो जाए इस मोबाइल फ़ेज़ में यानी ये जो औरजन लाइन है ये सॉलवेंट के अंदर डिप ना हो इससे ऊपर रहे देर मस्ट भी डिस्टेंस बिटवीन सॉलवेंट मोबाइल फ़ेज़ एंड दिस ऑरिजन लाइन सॉल्वेंट एक्लेबरेट द एन्वायॉयरमेंट यानी हम पैक्ट या लिड के साथ अपने स्टील सी टैंक्स को इस्तेमाल करते हैं और इस चैम्बर में पहले वेट करते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सारे माहौल को एकलिब्रेट कर दे इसके बाद हम अपनी टी मेथड को स्टार्ट करते हैं सेपरेशन इन टी एल सी इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांस बिटवीन स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फ़ेज़ बेसिकली ये एफिनिटी क्रोमटोग्राफी है कि दो फेजेस के दरमियान हमारे सैम्पल ने या सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होना है अगर वो मोबाइल मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से रन करेगा अगर वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखता है तो वो स्टे करेगा क्योंकि हम जो स्टेशनरी फेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोलर है यानी सिलिकेट जल और हमारा ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स आम तौर पर पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट्स जैसे हेगेन जाइलिन टॉलिन या क्लोरोफाम डाइक्लोरोमीथेन इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए जो ज्यादा पोलर कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मली पीछे रह जाते हैं और जो लेस पोलर कंपोनेंट्स हैं वो टीएलसी प्लेट्स पर आगे ट्रेवल करते हैं द स्टेशनरी फेज इज थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट यूली सिलिका जल और एलुमिना यानी ए एल टू ओ थ्री एलुमिनियम ऑक्साइड मोबाइल फेज इज ए डेवलपिंग लिक्विड विच ट्रेवल अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल विद इट कंपोनेंट्स ऑफ कंपोन विल सेपरेट ऑन बेसिस ऑफ अफिनिटी हाउ मच दे देव ऑन स्टेशनरी फेज वर्सिस हाउ मच दे देव इन द मोबाइल फेज फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाया गया है कि ये ग्लास प्लेट इसको मुख्तलिफ़ में इस ग्लास कटर को इस्तेमाल करते हुए हम काट सकते हैं अगर एलुमिनियम प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो काटने के लिए हम पेपर कटर को या बाज़ा सीजर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इन ग्लास प्लेट को यूज़ करना नस्बता मुश्किल होगा एलुमिनियम प्लेट्स को काटना और यूज़ करना रेलटिवली आसान होता है एक मरतबा टी रन करने के बाद पेपर में तो ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी क्योंकि पेपर में वाटर बाउंड है और हमारा पेपर या सेलोलोस अगर यू लाइट के अंदर देखा जाए तो वो ख़ुद भी कलर्ड नजर आएगा हमारे टी प्लेट्स के ऊपर मौजूद सिलिका जेल इसमें कोई डाई इस्तेमाल ज़रूर की जाती है और ये यू के अंदर ग्लो करती हैं इसमें फ्लोरिस मटेरियल होता है जो 254 या 365 नैनोमीटर पर हमें ग्लो करके ग्रीन या ब्लू कलर शे नज़र आता है इस वक्त ये यूवी वी चैंबर है और इस यूवी वी चैम्बर में आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन होने के बाद हमारी वाइट कलर की ग्लास प्लेट या एलुमिनम प्लेट इस वक्त ग्रीन शेड में नज़र आ रही तो बुनियादी तौर तो पर यह ग्रीन उस फ्लोरीसेंस मटीरियल की वजह से है जो इस सिलिका जल प्लेट के अंदर पहले से मौजूद है और जो कंपोनेंट यहाँ पर राइज किए हैं उन्हें हम बड़े आराम से मार्क कर सकते हैं किसी पेंसिल के ज़रिए क्योंकि यही ट्रैवल करने वाले कंपोनेंट मुख्तलि कलर से इस ग्रीन प्लेट पर कोई ब्लू कलर से कोई ग्रीन कलर से कोई येलो कलर से नज़र आ रहा है अगर कोई भी कलर ना हो बजाय हमें एक वाइट प्लेट नज़र आ रही है उस पर कोई कलर नहीं है लेकिन जब यू लाइट के अंदर देखते हैं अगर हमारे कंपाउंड यू एक्टिव हैं या यू लाइट के अंदर कलर शो कर सकते हैं तो वो यहाँ पर हमें ज़रूर कलर बैंड की सूरत में नजर आएंगे डी इस चैम्बर में से निकालने के बाद वो हमें वाइट कलर की शीट ही नज़र आएगी अगर फिर भी ये हमें कलर्ड नज़र ना आए या यूवी में भी हमें कोई अब्जॉपशन शो ना कर रहे हों, जैसे मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीराइड्स या टर्पीनस तो फिर हम इन पर कोई लुकेटिंग एजेंट भी स्प्रे करते हैं यानी कोई क्रोमोफोर इसको हम यू वी के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई ऐसा कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कलर विजिबल नज़र दिखा सके तो फिर हम स्प्रेंग चैम्बर में किसी सॉलमेंट को किसी लुकेटिंग एजेंट को स्प्रे करके इनको थोड़ा सा हीट करते हैं और फिर हमारे ये कलर विजिबल हो जाते हैं मुख्तलिफ डेवलपिंग एजेंट्स जो हम लिबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं उसमें निन हाइड्रीन को इस्तेमाल करते हैं अमानो एसिड्स की एस्टिमेशन के लिए सिर्क सल्फेट को नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं अगर टर्पीनस या स्टीर वगैरह हों जो हमें रेड कलर के इस्पाट्स देते हैं या और मल्टी कलर के इस्पाट्स भी देते हैं आम तौर पर फ्लिनाइट्स ख़ुद कलर्ड होते हैं येलो या ग्रीन कलर के इस्पाट्स की सूरत में बग़ैर किसी यू लाइट के या बगैर किसी से इस, स्प्रे किए हमें अपने कलर शो करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक रिंग मौजूद हैं यानी बेंजीन रिंग मौजूद है या उसके कॉन्जुगेट या उसके एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक रिंग मौजूद हैं तो ये एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड खुद से कलर्ड शायद ना हो विजिबल रीजन में हमें नज़र ना आए लेकिन जब उन्हें यूवी लाइट के अंदर देखें तो हमें ज़रूर कलर दिखाएंगे यूवी लाइट एक नॉन डिस्ट्रक्टिव तकनीक है हम अगर अपनी सिलिका से चाहें तो स्क्रैच करके इस कंपाउंड को किसी सॉल्व में डिसॉल्व करके हासिल भी कर सकते हैं लेकिन स्प्रे कर लेने के बाद हमारा कंपाउंड या लोकेटिंग एजेंट कॉम्प्लेक्स बना देता है हमारे सल्यूट के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ इसलिए डिस्ट्रक्टिव तकनीक है इसको दोबारा रीगेन नहीं किया जा सकता ये क्वालिटेटिव टेक्निक भी और क्वांटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है यानी क्वालिटेटिव अगर हम स्टैंडर्ड रन कर रहे हैं और उसके साथ अपने सैम्पल में मौजूद मुख्तफ कंपाउंडस को कम्पेयर करके सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं हाँ या नहीं है या नहीं है इस बात को फैसला करना है तो क्वालिटेटिव तकनीक है अगर हम किसी बैंड को स्क्रैच करके अपने सिलिका में सिलिका को डिज़ोल्व कर लेते हैं ऑर्गेनिक सोलन में लेकिन सिलिका ऑर्गेनिक सोलन में डिज़ोल्व नहीं होगी लेकिन जो कंपोनेंट उसमें बाउंड हुआ हुआ है या उसने ट्रैवल किया है वो ज़रूर उसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा फिल्टर करके हम इस सिलिका की बजाय सिर्फ सैंपल को ले सकते हैं और ड्राई हालत में हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं बाय वेट कि कितनी क्वांटिटी मौजूद है अगर हमने कोई स्ट्रक्चरल स्टडीज़ करनी है तो हम मुख्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी आइसोलेटेड कंपाउंड के साथ तो हमारी टेक्निक सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है क्वांटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रही है और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं